तो दोस्तों केकेआर ने अपने नए कप्तान के साथ उतरेंगे पंजाब किंग्स को हराने। जाने क्या है केकेआर टीम का प्लान। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप केकेआर टीम के जबड़ा फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के 16वें सीजन का आगाज 31 मार्च से होने जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि पहला मैच गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग के बीच खेला जाना है। वहीं शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स का पहला मुकाबला 1 अप्रैल को पंजाब किंग्स के साथ होना है। लेकिन दोस्तों उससे पहले ही केकेआर की टीम में एक नए खिलाड़ी को केकेआर टीम का कप्तान नियुक्त कर लिया गया है। दोस्तों केकेआर के कप्तान रहे श्रेयस अय्यर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच के दौरान ब्रेक पैन की शिकायत हुई थी, जिसके कारण उनको अस्पताल में भर्ती करना पड़ गया था। दोस्तों डॉक्टर ने श्रेयस अय्यर को 6 महीने तक मैदान से दूर रहने की सलाह दी है। दोस्तों ऐसे में श्रेयस अय्यर आईपीएल 2023 के 16वें सीजन में केकेआर की टीम के साथ नहीं जुड़ पाएंगे। दोस्तों ऐसे में केकेआर की टीम को एक नए कप्तान की तलाश थी, लेकिन अब वो तलाश खत्म हो चुकी है। दरअसल दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का नया कप्तान टीम के ही इस खिलाड़ी रह चुके हैं रितेश राणा को बनाया गया है। दोस्तों इस वर्ष आईपीएल के 16वें सीजन में श्रेयस अय्यर की जगह नितेश राणा केकेआर की कप्तानी संभालते हुए नजर आएंगे। दोस्तों केकेआर टीम के कोच चंद्रकांत पंडित को नितेश राणा पर पूरा भरोसा है। वहीं केकेआर टीम के कोच चंद्रकांत पंडित ने अपने बयान में कहा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि श्रेयस अय्यर बहुत जल्द वापसी करेंगे और इससे टीम पर काफ़ी फर्क पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि कार्यवाहक कप्तान राणा को आईपीएल का काफ़ी अनुभव है और नितेश राणा पिछले 5 सत्र से केकेआर टीम का हिस्सा रहे हैं। ऐसे में नितेश राणा के नेतृत्व क्षमता पर हमें पूरा भरोसा है। दोस्तों केकेआर अपना पहला मैच 1 अप्रैल को शिखर धवन के कप्तानी वाले पंजाब किंग्स के खिलाफ खेलेगी। दोस्तों केकेआर की टीम ऑन पेपर नीतीश राणा के नेतृत्व में बैलेंस टीम लग रही है। टीम में रिंकू सिंह, आनरे रसल, साकिब अल हसन, सुनील नरेन, वेंकटेश अय्यर, टीम सऊदी और लिटन दास जैसे बड़े बैच विनर खिलाड़ी उपलब्ध हैं।